हेलो हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, वरकम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नीलांजना और आप सभी का आज के इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और एक पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करेंगे। सुबह सुबह का समय है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह का समय वो होता है जब हम अपने आप को तैयार करते हैं ताकि पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाए। और किसी ने लिखा भी है कि यदि सुबह की शुरुआत एक छोटे से सुविचार के साथ किया जाए तो पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाता है। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ। और आज का सुविचार है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं। दोस्तों, हम किसी भी काम के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं उसका सीधा प्रभाव उस काम पर पड़ता है कि सफलता होगा या फिर असफलता होगा। हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम, यदि काम में कोई भी कमी रह जाती है तो फिर भी उसके पीछे हमारी सोच अच्छी है, सही है, तो आज नहीं तो कल वह काम हमें ज़रूर नतीजा देगी और अच्छा नतीजा देगी। इसलिए हमें अपनी सोच को हमारे जीवन में महत्व देना चाहिए और सोच को अगर महत्व देंगे तो हम कभी ना कभी सफल ज़रूर होंगे। हमारे सोच का महत्व हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए किसी भी काम से किए गए मेहनत से ज़्यादा होता है। हमारा काम तभी सार्थक होता है जब हम उसे अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। हम जीवन में कितना सफल होते हैं या लक्ष्य को पाते हैं या नहीं, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए, यही स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और दोस्तों, हमें हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं होगा तो कोई मकसद नहीं है जीने का। बिना लक्ष्य का मनुष्य ऐसा ही होता है बिना माँ का बच्चा होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में लक्ष्य को ज़रूर रखना चाहिए। तो यही हमारा पॉजिटिव थॉट था। तो चलिए देखते हैं, मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी भुजिया सबके लिए। खाना बनाने का तैयारी चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।